अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मेरे पेट में हो रही है काफ़ी गुड़गुड़ और भूख लग रही है मुझे, अंदर से पेट से आवाज़ें आ रही हैं गोश्त गोश्त गोश्त। इसलिए अब मैं जा रहा हूँ खड्डा सिची खाने। ये एक सौगात है जो है बलोचिस्तान से और डेरा गाजी खान में सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं। आज हम जाके खाएंगे और ट्राई करेंगे खट्टा सिची, और वो भी मुल्तान के सबसे फेमस रेस्टोरेंट में। तो चले मेरे साथ और पेट के इस गोश्त गोश्त की आवाज़ को ख़त्म करते हैं। भूख लग रही है काफ़ी, जल्दी जल्दी जाते हैं। ये गाड़ी मैंने खोल ली और ये गाड़ी खड़ी हुई है, अब जाके इसे स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं मेहराब रेस्टोरेंट की तरफ और काफ़ी माशाल्लाह गहमा गहमी। और ये देखिए यहाँ बच्चों के खेलने की जगह है, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इब्राहिम जाने और उसका काम जाने, हम जा रहे हैं खाना खा रहे हैं। आज बहुत भूख लगी हुई थी और जिस तरह से मैंने कहा गोश्त खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो आज यहाँ जाके गोश्त को आर पार करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत जगह है इनकी बैठने की, यहाँ ये यहाँ भी और वहाँ भी काफ़ी खूबसूरत सा बनाया गया है माहौल। हम लोग जी यहाँ बैठेंगे इस टेबल और चेयर पे, और काफ़ी बेहतरीन जगह है यार। और ये देखिए माशाल्लाह भाई साहब कैसे तैयार शैयार होके आर्डर लेने आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन भाग गए उस तरफ। आ गया है इनका मेन्यू, जिससे हमें कोई सौगात नहीं, हमें अपना आर्डर पता है जो हमें देना है इनको। यहाँ पे माशाल्लाह एक बहुत बड़ा टीवी भी लगा हुआ है ताकि आप लोग इंतज़ार करते हुए ख़बरें भी सुन सकें। और आजकल हमारी सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि इलेक्शन कौन जीतेगा और कब होंगे। कोई भी जीते, गोश्त कौन खाएगा ये इम्पोर्टेंट है। गोश्त मैं खाऊँगा। यहाँ पर है इनके पास तवा आइसक्रीम, और ये देखिए माशाल्लाह कितने बकरे लगे हुए हैं अभी इस वक्त। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वां बकरा। और यहाँ नीचे देखिए कितने बकरों का काम हुआ है। जैसे आप ऑर्डर करेंगे वैसे आपकी कढ़ाई तैयार होगी, और ये सिर्फ कढ़ाइयों के लिए, सिची के लिए नहीं। और फिर यहाँ आके प्रेशर कुकर में बनती है और यहाँ हो रही है कढ़ाइयाँ तैयार। इतना भरपूर मक्खन डाला। देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा रेस्टोरेंट है। मैंने पूछा था सिची का, इन्होंने कहा हमने निकाली हुई है इस वक्त, वो खड्डा करके उसके अंदर डालते हैं जिस तरह मंदी बनती है सऊदी अरब में। ये देखिए यहाँ वो सिची बनाते हैं और इस वक्त उन्होंने निकाल दी है सिची। ये देखिए इसके ऊपर अब नई बना के डाल रहे हैं यहाँ, और उसके ऊपर मिट्टी डाली जाएगी। माशाल्लाह इसकी काफ़ी तरक्की हो रही है। यानी मैंने तकरीबन 2 साल पहले यहाँ खा के गया हूँ और 2 साल बाद ही आया हूँ पाकिस्तान। और ये देखिए यहाँ से शुरू होता था, पहले यहाँ तक था जहाँ मेहराब लिखा हुआ है, और फिर उन्होंने वो एक्सटेंड किया। अब जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं वो इसी साल 1.5 साल में इन्होंने कोई एक्सटेंड किया है उसे। गर्मियों में यहाँ छत भी ओपन होती है। और ये देखिए माशाल्लाह सलाद आ गई है, और ये चटनी, हरी चटनी, और ये देखिए माशाल्लाह हरी चटनी। इसको सलाद लेंगे यहाँ से और इसके अंदर डालेंगे इसे, और फिर लेंगे हरी चटनी। कमाल की है, ये खुद प्रॉपर बना रहे हैं माशाल्लाह। आ गई है हमारी सिची। ये देखिए गोश्त को छुपाया गया है, जो नाइंसाफ़ी है गोश्त के साथ, उसे छुपाना नहीं चाहिए, उसे दिखाना चाहिए। और देखिए किस तरह से गला हुआ गोश्त है माशाल्लाह। ये देखिए गला हुआ बिल्कुल, और ये पुला साथ में, ओए होए होए, कसम से ये तो जिसको भूख ना लगी हो उसे भी भूख लगा देगा। जैसे मंदी का कोई तोड़ नहीं है, वैसे सिची का भी कोई तोड़ नहीं है। ये हमारी मंदी है।
बलूचिस्तान की एक खूबसूरत सुगा सिटी माशाल्लाह। इसके अंदर जो मसाला होता है ना, आप चटनी डाल के खाएंगे और ये देखो माशाल्लाह ये देखिए आय है इस ठंडे मौसम में ये जालिम गोश्त की बरसात, मज़ा ही आ गया। की सफाई करने के बाद आपका भाई अब इस पे शुरू होगा और इसे भी ख़त्म करेगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि व तआला आपकी दुआओं के साथ। ये है गर्मा गर्म रोटी आय है, पहला बाइट गई इसके अंदर और ये देखिए यहाँ हमने सब्ज मरच ली और ये गोश्त आपने लाजमी उठा लिया। गोश्त जैसे लेंगे आप पहली बार बिस्मिल्लाह और उसके बाद बोलेंगे सुभान अल्लाह, मज़ेदार है। मुझे इनकी कढ़ाई वैसे भी अच्छी लगती है और ये दूसरी बार और उसके ऊपर थोड़ा सा इनका रायता डालेंगे। हाय 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 हाय, मुर्दों को भी जिंदा कर दे ऐसी कढ़ाई बनाई है जालिमों ने। और मिसाला कभी भी लेना कढ़ाई का वो नीचे से ऐसे और कढ़ाई हमेशा कढ़ाई में खानी चाहिए, मैं तो यही प्रेफर करता हूँ। मुझे चम्मच और उसमें खाने का कोई मज़ा नहीं है, कढ़ाई को कढ़ाई के अंदर खाओ यार। बहुत आला मुर्शिद, कमाल बना हुआ है मुर्शिद। कुछ ये मैंने कर दिया है कढ़ाई का हार। खाना खाने के बाद और कढ़ाई को ख़त्म करने के बाद और सिज्जी दोनों ही माशाल्लाह लाजवाब थे। सिज्जी तो सुभान अल्लाह। अब मैंने मंगा लिया है गुलाब जामुन, देखिए माशाल्लाह इनके पास वाटर फाउंडर भी है और बच्चे काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और सर्दी भी है, थोड़ी देर के लिए खोला सही किया है वरना बच्चे इसके अंदर ही जाके नहाने लग जाते हैं। आए आ गई हमारी गुलाबों, हाय 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 हाय, गुलाब जामुन को ऐसे लीजिए और ये पहली बाइट के अंदर मुंह के अंदर होने चाहिए, ऐसे गरम गरम है माशाल्लाह लाजवाब। गुलाब जामुन कोई भी मिठाई हो ना गरम, सुभान अल्लाह। अब खाना हुआ पूरा इसे कंप्लीट। अगर आप मुल्तान आए तो लाजमी मेहराब आए और अगर आप डीजी खान जा रहे हो, मुल्तान से डीजी खान जा रहे हो तो लाजमी मेहराब आए। इनकी सिज्जी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है और मुझे तो सिज्जी और लाहौरी कढ़ाई तो कमाल की ही लगती है। ये रोड जा रहा है मुल्तान को और वहाँ से लोग जा रहे हैं डीजी खान को। इनकी लाहौरी कढ़ाई और सिज्जी के तो क्या कहने माशाल्लाह, और गुलाब जामुन भी काफ़ी अच्छा था लेकिन ये दोनों बेहतरीन मुर्शिद, बहुत ही आला मुर्शिद थे। कुछ ही दिनों के बाद हम लोग को वापस जाना है और ये खाने वहाँ जाके हम लोग मिस करेंगे। बात काफ़ी मज़ा आया, यहाँ करते हैं हम अपने व्लॉग का अख्तिताम। मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।